हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपको बहुत ही शानदार जगह। जी हां दोस्तों, जो आखिरी मंजिल, जो सबकी आखिरी मंजिल यही होती है। जी हां दोस्तों, कब्रिस्तान, अहले कब्रिस्तान, अहले इस्लाम कब्रिस्तान, दिल्ली गेट। जी हां दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, आपको पता नहीं, शायद पता हो या ना पता हो, यहां पे शाहरुख खान के माँ बाप दोनों यहाँ पे इस कब्रिस्तान में दफन है। जी हाँ दोस्तों, तो जब मुझे इस बात का मालूम पड़ा तो दोस्तों मैं आपको कैसे नहीं दिखाता, कैसे नहीं बताता। तो दोस्तों, ये कब्रिस्तान में आपको पीछे का नाम पहले मैं दिखा दूँ, जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम दिल्ली गेट। तो दोस्तों, अब ये मालूम करना है खान के जो वालिद और वालिदा हैं उनकी कब्र कहाँ है। तो मालूम करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है, तो फिर मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, जो मेन जो कब्रिस्तान है उसका जो मेन गेट है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर जो है ना, मैं एंट्री लेता हूँ और देखता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में दफन हुए ना जाने कितने लोग, ना जाने कितने आए और ना जाने कितने यहाँ पे आके समा गए। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, दुनिया में जब जिंदा होता है इंसान तो पूरी दुनिया में फैला होता है। और इस कब्रिस्तान ज़्यादा कितना बड़ा होगा, 10 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, और ना जाने कितने करोड़ लोग अब तक इसमें समा गए होंगे। और जब दोस्तों, जब मैं सही बताऊं, मैं यहाँ पे फाइनली मैं बहुत अंदर आ चुका हूँ, और शाहरुख खान और उनके माता पिता को जो मैं उनकी कब्र को मैं ढूंढ रहा हूँ, और जब नहीं मिलेगा तो मैं पूछूंगा किसी से। बट मैं जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो दोस्तों, इतने सारे लोगों को सोए हुए देखकर जो है ना, एक जो मन जो है ना विचलित हो जाता है, और दुनिया जो है ना इंसान भूल जाता है। तो दोस्तों, उस वाले चाचा ने जो है ना फाइनली मुझे बता दिया कि शाहरुख खान के वालिद और वालिदा किधर दफन है। तो उधर ही जो है ना हम जा रहे हैं, और ये देखें, ये सारी कब्रें हैं दोस्तों। ये सारे इंसान जो दुनिया में न जाने 50 साल जिंदा रहे होंगे, 60 साल, 80 साल, और न जाने कितने नेकी करे होंगे, न जाने कितने बातें की होंगी, ना जाने क्या क्या सोचा होगा, और लास्ट में यहाँ पर आके सो गए, कुछ भी नहीं लेके आए। ये दोस्तों देख सकते हैं, मन जो है ना एक यहाँ पे आके जो है ना एक विचलित हो जाता है, कचोटने लगता है। बहरहाल मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, जब आपको अपनी सेहत, अपनी ताकत पे, अपनी दौलत पे जब घमंड होने लग जाए, तो एक बार जो है ना कब्रिस्तान का सफ़र ज़रूर कर लिया करें। आपको जो है ना वो सारा वहम दूर हो जाएगा, जो आपको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें, सारी दुनिया है, दौलत सब मेरी है, ये सब घमंड जो है ना, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी दोस्तों। आप यहाँ पे एक महीना में, 6 महीना में, 2 महीना में जो ना एक बार चक्कर लगा लिया करें कब्रिस्तान में, अपने मुकामी कब्रिस्तान में, अपने गाँव कब्रिस्तान में, कहीं भी आपको बहुत सुकून भी मिलेगा अंदरूनी तरीके से। देखो, दुनिया है, अल्लाह ने दुनिया बनाया है, दुनिया की भी एक दस्तूर है, और उसको भी निभाना पड़ता है, बट इस आखिरी मंजिल को नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, इधर ही कहीं पे बताया है उन्होंने, तो मैं ढूंढता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इधर से किधर जाना है, उधर की तरफ बताया है, हाँ वो दिखा, वो दिखा, वो दिखा, दिखा दोस्तों, वो दिखा, ताज मोहम्मद, शाहरुख खान के पिता का नाम जो है ताज मोहम्मद था, और उनके माँ का नाम लतीफ़ फ़ातिमा। हाँ, दिख गया दोस्तों। बट अब ये देखना, देखना यह है कि अब जाना किधर है, उधर उधर तक जाना किधर से है। ये दोस्तों, फाइनली दोस्तों, मेरे प्यारों, ये शाहरुख खान के वालिद की कब्र है। जी हाँ दोस्तों, मीर ताज मोहम्मद, सन ऑफ मीर जान मोहम्मद, डेट ऑफ बर्थ 27 अक्टूबर 1927, पेशावर में हुआ था।
और डेट ऑफ डेथ 19 सितंबर 1980 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, पेशावर से ये 1942 में, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है ना, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें इन्होंने 15 साल की उम्र थी उस वक्त, तो उस वक्त इन्होंने भाग भी लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और उस वक्त सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे ये शाहरुख खान के पिता। और आप सोचोगे कि ये जो है और में इनका जन्म हुआ, तो दोस्तों उस टाइम में पाकिस्तान, पेशावर, इंडिया सब एक ही था, तो उस टाइम में जो है भारत छोड़ो आंदोलन सब जगह छिड़ा हुआ था। तो उस टाइम में जब देश, जब आज़ादी मिली तो ये यहाँ पे आके बस गए, इनका हक था। तो ये देख सकते हैं कब्र फाइनली खूबसूरती से जो है ना बनाया गया है, और संगमरमर है, संगमरमर स्टोन है, ये देख सकते हैं, मैं छू भी सकता हूँ। और ये शाहरुख खान के वालिद साहब, शाहरुख खान दोस्तों अक्सर यहाँ पे आया करते हैं रात के समय, कभी कभी दिन में भी आते हैं शाम के टाइम, पर अक्सर रात में आते हैं यहाँ पे, कभी फैमिली के साथ तो कभी अकेले भी आते हैं। अब मैं इनके जो है ना शाहरुख खान के वालिदा के कब्र पर मैं आपको लेके चलता हूँ, जो बिल्कुल सेम टू सेम जो शाहरुख खान के जो वालिद है उनके बिल्कुल सेम टू सेम कब्र है इनका भी, उनकी माँ का भी, जो काफ़ी खूबसूरत कब्र लग रहा है। मैं इसको छूना चाहता हूँ, संगमरमर जो स्टोन है इसको। और जो शाहरुख खान की जो माँ है लतीफ़ फातिमा, वाइफ ऑफ लेट मीर ताज मोहम्मद, डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1941, डेट ऑफ डेथ 15 अप्रैल 1991। जी हाँ दोस्तों, तो जब मैं कब्रिस्तान में जब एंट्री किया तो मैंने दरूद शरीफ मैंने वैसे पढ़ लिया था, मैं स्पेशली मैं इनके जो शाहरुख खान के जो वालिद और वालिदा है इनके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इनकी मगफिरत करना अल्लाह, या अल्लाह, और इस कब्रिस्तान में जितने भी लोग सोए हुए हैं अल्लाह सबकी तो मगफिरत कर दे। तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको शाहरुख खान के माँ बाप, वालिद और वालिदा की कब्र मैंने दिखाई। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बताएं। बाकी मैं और देखता हूँ आपके लिए और क्या दिखा सकता हूँ, क्या चीज़ है तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये दोस्तों बहुत बड़े एरिए में ये कब्रिस्तान है दोस्तों, मैं बहुत दूर दूर तक चला हूँ, बहुत दूर तक है, यानी कहा जाता है कि ये जो है ना दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है दोस्तों। ये दुनिया की चीज़ें जो है ये अल्लाह ने जो है एक रीति एक वो चीज़ बनाई है, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की मोहब्बत, पर जो आखिरी जो सफ़र है, आखिरी जो मंजिल है इंसान की वो यही है। माँ बाप से भी मोहब्बत करना एक इबादत है, बीवी और बच्चे से भी मोहब्बत करना इबादत है, कोई भी इंसान को एक मोहब्बत भरी नज़र से देख लो वो भी एक इबादत है। अल्लाह ने तो इंसान की हर वो अच्छी चीज़ में इबादत रख दी है। अगर हम अच्छी ज़िंदगी जी के आएंगे ना तो यहाँ पे भी हमारी ज़िंदगी अच्छी कटेगी। बस दोस्तों इतना कहना चाहूँगा, बट ये देख लें न जाने कितनी बड़ी दुनिया यहाँ पर समा गई होगी दोस्तों। हामिद अली, आमना बेगम, सनोबर बेगम, अब्दुल गनी सनफ अब्दुल रऊफ, डेट ऑफ डेथ 2020। देख रहे हैं दोस्तों सब में जो है ना इसमें तारीख, दिन तारीख, मरने का तारीख, जन्म डेट सब कुछ के साथ जो है ना यहाँ पे मेंशन किया होता है। ये देख रहे हैं दोस्तों इतने सारे नाम लिखे हुए हैं, नाम पढ़ पढ़ के जो है ना और भी जो है ना यानी मन जो है ना विचलित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नूर हुसैन, ये देखिए, ये कब्रिस्तान के बीच में से एक रोड भी, गली जैसा बनाया गया है, बीच में
बैठने के लिए जो है ना इस तरीके से भी रखा गया है, जो काफ़ी शानदार इंतज़ाम है। और साफ़ सफाई करने वाले भी इधर जो है ना, यानी रेगुलर लगातार काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। काफ़ी शानदार जो है ना इंतज़ाम है। और शाहरुख खान भी इधर आते जाते रहते हैं अपने वालिद और वालिदा के कब्र पे। तो ठीक है दोस्तों, आज का सफ़र यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तो जब तक आप अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, खुश रहना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो को प्यार देना। फिर मैं कल आऊँगा नया स्टोरी लेकर। तो अलविदा दोस्तों, बाय।